और गाइस ये है MiG-23 फाइटर जेट। गाइस ये है पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट और ये है पाकिस्तान की जीप और ये भी पाकिस्तान का टैंक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिशा सुद फिल्म्स। तो आज हम आए हैं एयरफोर्स म्यूजियम, ये आप देख सकते हो। हम इसके गेट पे खड़े हैं अभी फिलहाल। दिल्ली में पालम जो एयरपोर्ट है उससे पीछे एक ओल्ड रोड है, उसके पास में है ये रोड। और जो मेरे साथ आए ना, एक तो अभिमान आया। हाँ भाई, हेलो फ्रेंड्स। तो ये सामने है टिकट लेने का और कैफेटेरिया हमारा, जिसके नाम से चैनल है ना क्रिशा सुद। ये है वो, ये है यहाँ की कैंटीन। तो अभी सोवनियर शॉप पे आ गए हैं। ये सारी जो दिखाई देगी आपको, सारी की सारी की चेन है। ये है KH-29L ट्रेनिंग मिसाइल, जो कि 1980 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और ये देखिएगा आप, काफ़ी भयंकर मिसाइल है ये। लेजर गाइडेड मिसाइल। तो भाई ये है फाइटर जेट, काफ़ी बड़ा है यार। तो गाइज ये है HAL फोनलैंड नेट, ये मैन्युफैक्चर हुआ था UK फोनलैंड में, इंडिया HAL अंडर लाइसेंस। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सिंगल सीट इंटरस्पेक्टर है और वहाँ पीछे एडन गन रखी हुई है और कुछ मिसाइल्स। भाई ये देख, इसका क्या नाम है? वापित MK-2A। कौन से देश का? ये है UK वेस्टलैंड और इसकी मैक्स स्पीड है 225 किलोमीटर पर आवर, रेंज 580 किलोमीटर। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखोन वाज द पायलट ऑफ द नेट्स क्वीन डिटैचमेंट बेस्ड एट श्रीनगर ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार। ऑन 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर वाज अटैक्ड बाय 6th पाकिस्तान साइबर जेट हु बिगन बॉम्बिंग एंड स्टार्फिंग द एयरफील्ड। सलूट है ऐसे महान योद्धा को। गाइस ये है पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया था। ये सारे बुलेट्स के निशान हैं। देख सकते हो गाइस, ये बुलेट्स के निशान हैं कितने गहरे। इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया था इस जेट को। सो गाइस ये है अपोलो लूनर मॉड्यूल। गाइस ये 21 जुलाई 1961 को लॉन्च हुआ था और अब ये इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम में है। सुखोई SU-7 की मैक्स स्पीड है 1150 किलोमीटर है 2150। गाइस ये है सुखोई 7, आप देख सकते हो इसका ये पिछला भाग है टेल प्रोटेशन। ये डैमेज करा था एंटी एयरक्राफ्ट गन ने, पाकिस्तान ने इसको डैमेज करा था और ये इसका पीछा भाग है। फ्रेंड्स ये है फोर्ड सैलोन कार, इंजन 390 VB इंजन विद 315 BPH एट 4600 RPM, 8 सिलेंडर पावरफुल इंजन। फोर्ड कार 1967 मॉडल मैन्युफैक्चर्ड बाय MS फोर्ड कार कंपनी ऑफ US। वैसे मैंने जितने भी देखे उनमें सब में इंजन फ्रंट में दे रखा प्रोपेलर के साथ, मतलब नीचे किसी में भी नहीं है ना। ये पता नहीं क्या, ये भी एक मिसाइल ही है तो इसमें ज़्यादा मस्त लगी ये। लेकिन भाई मिग देखते हैं भाई, ये मिग सबसे बड़ा है।
और मिग का ही पीछे ये वो दे रखा है इंजन, बैक में ये मिग का, ये मिसाइल है। हाँ ये मिसाइल है, ये है MiG-21 और इसकी MiG-21 और इसकी मैक्स स्पीड है 2070 किलोमीटर और रेंज है 1800 किलोमीटर। भाई ये काफी बड़ा लंबा चौड़ा है। ओ ये तो न्यूक्लियर से लग रहा है, न्यूक्लियर हो ना। हाँ भाई ये देखो इसकी कितनी है, 1990। इसकी स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है। और ये है हेल HT2 और ये मैन्युफैक्चर हुआ था इंडिया में ही और IAF में इसने अपना पीरियड ऑफ ऑपरेशन इन IAF 1953 टू 1990 और ये इसका इंजन है गाइस। ये है AN-12 एयरक्राफ्ट, ये मैन्युफैक्चर यूक्रेन ने करा था इंडिया के लिए। इसकी कैपेसिटी है, इसका जो पीछे का ट्रंक है वो खुलता है तो उसके अंदर जो सामान रखने की कैपेसिटी है वो है 90 ड्रॉप्स या फिर 2000 kg और इसकी परफॉर्मेंस है 777 किलोमीटर पर हर, रेंज 3600 किलोमीटर और मैक्स हाइट है 33,500 फीट। गाइस ये है MiG-23 फाइटर जेट। तो गाइस ये है डकोटा DC-3, ये भी काफी बड़ा है। ये है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर इंडियन फोर्स के चॉपर, एक इधर है एक इधर, काफी बड़े बड़े ये इनमें, ये इनमें डलते होंगे ना क्या बम। सोगा जी इतना बड़ा जहाज है, ये इसका इंजन, कब बारिश वगैरह आए ना तो इसके नीचे आराम से लुक सकते हैं। ये बेचारा थोड़ा सा जख्मी है। कौन सा इधर, अरे ये रहा भाई, ये भी भाई बहुत बड़ा प्लेन है ये। हाँ देख लो अभी इसी के नीचे है, ये भी देखो भाई काफी बड़ा प्लेन। ये है एयर चाइल्ड पैकेट और ये है पाकिस्तान की जीप और वो है टैंक और वो पाकिस्तान का टैंक। और ये भी पाकिस्तान का टैंक है और वो कार भी पाकिस्तान की है, अजीब सी। और वो एक ट्रक पाकिस्तान का, दे ट्राइड टू कास्ट एन ईवल आई ऑन इंडिया वार ट्रॉफीज। जय हिंद जय हिंद। एयर कमांडर मेहर सिंह NDC DSO और ये यहाँ पे काफी सारे। तो भाई अभी काफी देर हो गई घूमते घूमते, अभी थोड़ा सा लंच करते हैं। लंच में क्या मिलेगा इधर सैंडविच जो हमारा है, ये 50 rupees का समोसा चाट। कितनी टैक्टिंग लग रही है गाइस आप लोग देख सकते हो। और अभी हमने ऑर्डर कर रखा है चीजी चिकन बर्गर, वो भी आने वाला है 2 पीस कर रखे। तो भाई हमारे लिए आया है ये छोले चावल, काफी अच्छा है, टेस्ट करके देखते हैं इसको। गाइस आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है दिखने में। इनने इसके अंदर एक चीज़ स्लाइस डाली है, नीचे एक तंदूरी मेयो और एक क्रिस्पी आलू टिक्की और एक वो ऑनियन रख दिया है।
कितना टैक्टिंग लग रहा है गाइस और टेस्टी। एयरफोर्स म्यूजियम की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक रहती है, और जो यहाँ का टिकट है अडल्ट वो लगेगा आपका 30 रुपीज़ और चाइल्ड टिकट जो लगेगा 15 रुपीज़, और ये सोमवार और मंगल को बंद रहता है। कैसा लगा आपको एयरफोर्स म्यूजियम कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और यहाँ पर आए इंजॉय करें, काफ़ी अच्छा है अंदर से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके हेलो, अरे यार तू खल काटी लिया देख ये पापा पापा पापा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।